आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। कलेक्टर ने ईसानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कलेक्टर श्री सीलन सह ने रविवार को शाम ईसानगर पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया एवं सभी पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड तीव्र गति से बनाए जाने हेतु निर्देशित किया और बीएमओ जेपी साहू को निर्देश दिए कि मरीजों को सभी दवाइयाँ और अन्य जरूरी सेवाएँ समय पर प्रदान करें। कलेक्टर ने रजिस्टर का अवलोकन भी किया और परिसर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। ईसानगर से अरविंद असाटी की रिपोर्ट। देश को लेकर आज निरीक्षण किया गया अस्पताल में। ये देखने आया था कि अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, वो भी देखना था। साथ में आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स बनने हैं जिसमें लोगों को 5-5.5 लाख तक का इलाज भी मिलता है कितनी बीमारी है, और साथ में जो कोरोना वैक्सीन अभी आने वाली है उसका भी उन लोगों को लाभ मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी ऐसे लोग जिनका सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची जो 2011 में बनी थी उसमें नाम है, तो वो परिवार सभी के सभी इन कार्ड्स को बनवा लें जिससे कि उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। उसमें 5.5 लाख तक का इलाज उनके सदस्यों का फ्री होता है, और अभी जो कोरोना की वैक्सीन आने वाली है वो भी उनको फ्री मिल सके अगर वो बना कर रखें।